हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो? मैं सोच रहा था बात करूँ थोड़ा दिल्ली की, जो बसें फ्री कर दी है दीवाने लड़कियों के लिए, उसके बारे में। ये क्या है, मतलब लड़की बेचती है एक तरीके से दिल्ली में? चलो बसें तो आपने फ्री करवा दिया, लेकिन आपने ये कभी सोचा कि बसें वो रोकता भी है कि नहीं लड़कियों को देख के? अधिकतर जगह मैंने ये देखा दोस्तों कि कहीं बस ही नहीं रुकती है लड़कियों के लिए। बहुत जगह मैंने देखा, मैं रोज़ ही बस से सफ़र करता हूँ दिल्ली में। आजकल तो और बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का लगता है, तो कम ही चलाते हो, तो रोकते ही नहीं कहीं। मतलब बहुत जगह बोलते हैं सीट फुल हो गई है, तो ये है वो है, तो रोकता ही नहीं है कहीं बहुत जगह। लेकिन लड़कियों को देख के तो और नहीं रोकता है। मैंने कितनी बस वाले को कहते सुना है कि ये लोग फालतू में घूमने निकल जाते हैं, पैसे लगता नहीं, बस में घूमने निकल जाते हैं। आजकल जो जेंट्स का काम था वो भी जेंट्स भेज देते हैं औरतों को, भी पैसे नहीं लगेगा कहीं भी जाने के लिए। औरतें भी बेचारे क्या करें मजबूरी में। कितने तो मैंने आजकल देखा है कि बसेस से उतार देता है। मैं आज आ रहा था तो एक बस रुका, शायद आनंद विहार का या कहीं की थी, तो बस से रुका, उस पर एक फीमेल स्टाफ चढ़ी। जैसे ही चढ़ी तो अंदर बोला कि उतरो 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 उतरो, सीट नहीं है यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे, उतरिए, यहाँ पे जगह नहीं है। तो बेचारी औरत गाली देती रही, ना उतर तो गई बस से। उतने देर में मैंने देखा कि एक जेंट्स उस पर चढ़ा, उसको नहीं उतारा, वो भी बैठ के चला गया वहाँ से काफ़ी दूर। ये बताइए कि ये फ्री करके और तो बेचती नहीं, तो और क्या करा केजरीवाल? केजरीवाल जी को चाहिए था ये जो करना था, तो टिकट का दाम ही कम कर देते कि हाँ भाई चलो टिकट का दाम सबके लिए अवेलेबल करते, जेंट्स हो या लेडीज हो, सबके लिए थोड़ा कम कर देते, या फिर जितना है उतना ही रहन देते, लेकिन उसमें कुछ और सुविधाएँ आप बढ़ा देते। जैसे लड़कियों को सपोर्ट के लिए कुछ मिले, उसमें सीसीटीवी बढ़ा देते या बसें बढ़ा देते उसी पैसे से, आप ताकि भीड़ भाड़ भी ज़्यादा था, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता। आपको पता है बसें उतना पूरी नहीं हो पाती जितना दिल्ली, आज तो दिल्ली में आदमी कम है इसलिए काम थोड़ा चल भी रहा है, लेकिन जैसे दिल्ली बढ़ेगा तो क्या हालत हो जाएगी ये सोचो। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि पहले कुछ करता है तो बस चुनाव के चक्कर में कर तो दिया कि हाँ भाई फ्री का काम क्या। आज दिल्ली सरकार के पास पैसे देने के लिए, किसी की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। सरकार खुद ही, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ पे, कैसे बोल रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे दूँ लोगों को, सरकार मेरे को, केंद्र सरकार मेरे को पैसे दे। ऐसे ऐसे सरकार में भरे पड़े हम लोग, और 200 यूनिट बोलता है बिजली फ्री, बिजली फ्री, बिजली फ्री, 200 यूनिट किसके लिए फ्री? जिसका अपना मकान है, जो किराएदार से यहाँ पे दिल्ली में 10 रुपये यूनिट लेता है, किराएदार को कुछ मिला नहीं, बस मकान मालिक जितने भी उसको भाई देते जाओ पैसे देते जाओ, 10 रुपये यूनिट भी लेता है और उसको कोई फायदा नहीं है। रूम दिल्ली में कितना महंगा है आपको पता ही है, आदमी कैसे रहेगा गरीब आदमी। और ऊपर से ये सरकार राशन भी उन्हीं को देता है जो यहाँ के हैं, मतलब जिसके अपने घर है सब कुछ है उसको दे रहे हैं, और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं होता। किराएदार है थोड़ा उसके लिए भी सोचो, मैं भी किराएदार हूँ और भी किराएदार है, कुछ ऐसे कानून बनाओ कि बिजली का जो फायदा हो इसे भी मिले, और जो हाँ मतलब मकान मालिक है उसको भी मिले और उसको भी मिले, या फिर फ्री क्यों कर रहे हो, कम कर दो। फ्री करने का क्या मतलब, सबको फ्री फ्री कर करके दिल्ली बर्बाद हो गई है। केजरीवाल ऐसा आदमी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। ये सब तरीका हमें फ्री करके बाद में पैसे की तुम रो, मेरे पास पैसे नहीं है सरकार को देने के लिए। अब लॉकडाउन हो गया, दारू बिकवाने के लिए इतना ढेर लगा दिया, तो उसमें जो आज दिल्ली की हालत पता है कैसी, नंबर 1 पे चल रहा है कोरोना, तो जिससे पैसे आता है पैसे, मतलब दारू तुम बेचो लेकिन और चीज़ फ्री कर दो, दारू का दाम बढ़ा दो,
वो तो अच्छा है कि दारू की इतनी पब्लिसिटी हो गई है कि आदमी पहले से न्यूज वाला ऐसे दिखा रहा था दारू जैसे पतन क्या मरे दारू की दुकान खुलेगी ये होगा वो होगा दारू की भैया खुला तो आदमी भी ऐसे ही है भारत में कि दूध मिलेगा तो पिएगा नहीं बोलेगा दूध का 2 रुपये दाम बढ़ गया बोलेगा अरे ये दूध का दाम 2 रुपये बढ़ा दिया ये इन लोगों ने महंगाई बढ़ा दी ऐसे कर दी और दारू के लिए 70% 170% बढ़ जाए तो भी कुछ नहीं है इन लोगों के लिए 200% कीमत बढ़ा दे तो भी कुछ नहीं है इन लोगों के लिए तो ऐसे ऐसे लोगों को भाई मैं सलाम ही करूँगा केजरीवाल जी को फिर से सोचना चाहिए अभी भी टाइम है अभी तो फिर लोगों के पास पैसा भी नहीं है सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हाँ लोगों को फायदा हो क्या करिए ऐसे तेरे सरकार चलाता है मैं ये नहीं करूँगी मैं सरकार चला लूँगी मेरे को नहीं आता मैं अगर जो इतना विधायक सब हो तो सब मिल के एक मीटिंग करे तो सब चीज़ को लेके चलो यार कैसे क्या होता ये नहीं कि हाँ अभी कुछ भी कर दिया नहीं कर दिया चलो कोई नहीं दोस्त धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में और आप अगर जो बेरोजगार है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको बहुत जल्दी मैं अच्छी न्यूज देने वाला हूँ जो कहाँ कहाँ नौकरियाँ हैं वहाँ वहाँ से मैं आपको एक वीडियो बना के दूँगा मैं एक कंपनी से टाइप कर रहा हूँ कि वहाँ पर नौकरी मिले तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता सकूँ और आपको मैं नौकरी बता सकूँ किस जगह पर है पर्टिकुलर नंबर वगैरह दे सकूँ बातचीत करके उनसे कंपनी के द्वारा जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए जो नौकरी नहीं करना चाहते उनके लिए तो बहुत से चैनल है जो बिजनेस बताता रहता है कुछ मैं ऐसा कुछ नहीं बताना मैं जो भी होगा रियल बताऊँगा ठीक है चलिए धन्यवाद।